नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों थोड़ा क्षमा करना कि ये वीडियो थोड़ा मैं लेट बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया इसीलिए मैं कुछ दो तीन दिन वीडियो नहीं बना पाया इसीलिए। और काफ़ी दोस्तों के मुझे मैसेज आए थे, लेकिन मैं थोड़ा उसके लिए मुझे माफ़ करना कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो मेरे एक दोस्त का सवाल था कि सर CSF फायरमैन के बारे में बताइए, ड्यूटी कैसे होता है, इसके बारे में उसने डिटेल पूछा था। तो मैं ये थोड़ा आज का वीडियो उसके ऊपर थोड़ा सा बना रहा हूँ दोस्तों। क्या होता है ना, CSF में जैसे कांस्टेबल GD, जैसे कांस्टेबल जो GD की ड्यूटी होती है, मतलब ये जो GD की जब ग्राउंड पे ड्यूटी करते हैं उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है, और एक फायर विंग भी होता है दोस्तों। CSF का एक फायर विंग है अलग, उसमें जो है ये फायर का फायरमैन की वैकेंसी निकलती रहती है। तो दोस्तों फायरमैन का क्या होता है ना कि उनका एक अलग विंग होता है, उसमें उनके कांस्टेबल अलग होते हैं, उनके जो क्या होता है अपना उनके SI अलग होते हैं, सब इंस्पेक्टर अलग होते हैं, उनके जो होता है इंस्पेक्टर अलग होते हैं, बाकी उनका जो मेन जो होता है मतलब जो कंपनी कमांडर जो होता है वो असिस्टेंट कमांडेंट जो अपना एक ही होता है GD का, और इसका इनका ये सब एक ही होता है। तो क्या होता है ना दोस्तों कि जो फायरमैन का जो ड्यूटी होता है वो ज़्यादातर जो पावर प्लांट्स होते हैं जब वहाँ पे उनका ज़्यादा ड्यूटी लगता है। अब मैं वहाँ पे पावर प्लांट में मैं भी ड्यूटी दे रहा हूँ, तो पावर प्लांट में ही उन लोगों का CSF फायरमैन वालों का जो है ड्यूटी वहाँ पे लगता है, क्योंकि पावर प्लांट पे ही ज़्यादातर चांसेस रहते हैं आग वाग लगने के। तो उनको ज़्यादातर उनका डिप्लॉयमेंट फायरमैन का जो होता है, जो फायर विंग होती है हमारी CSF की, उनका ज़्यादातर पावर प्लांट पे ही रहता है दोस्तों। दोस्तों पूछ रहे थे कि ये फायरमैन का जो यूनिफॉर्म होता है वो कैसा होता है। दोस्तों यूनिफॉर्म तो दोनों का सेम ही होता है, लगभग नहीं पूरा सेम ही होता है, बस जो लेनियार्ड होता है, यहाँ लेनियार लगा होता है दोस्तों, वो जो GD के ड्यूटी करते हैं उनका जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जो फायरमैन की ड्यूटी करते हैं, जो फायरमैन होते हैं फायर विंग वाले, उनका जो होता है वो रेड कलर का होता है। मैं साइड में लगा दूंगा दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि फायरमैन वालों का जो ड्यूटी कैसा होता है, मतलब उनको वैसे ज़्यादातर मैं आपको जनरली बता दूँ तो उनको ड्यूटीज कुछ होता नहीं है, वो वहाँ पे जाके ऑन रेडी पोजीशन में रहते हैं कि कहीं आग अगर लग जाती है तो वो वहाँ पे रेडी हालात में रहते हैं। तो उनको अपने अपने शिफ्ट में जो भी सेम शिफ्ट चलता है दोस्तों उनका, ABC जो मैंने अपने वीडियो में बताया आपको पीछे कि कैसे ड्यूटी होता है, तो CSF का उसी हिसाब से उनका भी ड्यूटी रहता है। और वो काम क्या करता है तो मैंने वो साइड में देख ही रहोगे दोस्तों, मैंने लगा दिया है तो उसमें जो है वो अपना मॉक ड्रिल करते रहते हैं। ये मॉक ड्रिल चलता रहता है उनका ऐसा कि मतलब अगर ये आग लग गया उसकी प्रैक्टिस करना, उनको बुझाने की प्रैक्टिस करना, ऐसा उनका मॉक ड्रिल चलता रहता है, जबकि उनका ड्यूटी यही होता है। लेकिन आग लगने के चांसेस मतलब रहते हैं, कई बार चांसेस रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि सेफ्टी भी उतनी, पावर प्लांट इतना बड़ा पावर प्लांट है तो उसमें सेफ्टी भी उतनी ली जाती है, इसीलिए थोड़ा सा आग लगने के चांसेस जितने ज़्यादा होते हैं उतने कम भी होते हैं, मतलब एवरेज लेवल पे है। तो उनको ज़्यादातर इतना काम पड़ता नहीं है, जाके वो वहाँ पे रेडी हालात में ऐसे ही रेडी रहते हैं, बैठते हैं ड्यूटी पे जाके, बस उनको इंतज़ार रहता है कि कॉल का, कि आग लग गई, कॉल आ गया, तब उन्हें जाना होता है, नहीं तो फिर वो उनका मॉक ड्रिल वगैरह वो चलता ही रहता है। इस प्रकार का फायरमैन का ड्यूटी होता है दोस्तों। फिर बात करते हैं उनका पेमेंट के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेमेंट जो होता है फायरमैन का भी और सेम होता है लगभग, जो हमारा कांस्टेबल GD का CSF में जो पेमेंट होता है वही कांस्टेबल फायरमैन का सेम पेमेंट होता है, सेम बेसिक पे, उनको बेसिक पे भी सेम होता है 21,700 से लेकर के ऊपर तक, और जो GD गोल है मिलता है वही, बाकी उनको जो मिलता है DA HRA वो जो सम जो बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो सारी सेम मिलती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों CSF फायरमैन के बारे में ड्यूटी। और एक इसमें ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि इसमें फायरमैन वालों का ये एक बेनिफिट है कि इनका ड्यूटी कहीं और नहीं लगता है, सिर्फ पावर प्लांट पे ही लगता है, क्योंकि क्या होता है कि पावर प्लांट में उनकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और एक दो चीज़ें हैं मतलब एक दो और यूनिट है ऐसे, जैसे एयरपोर्ट का ही ऐसे एक दो एयरपोर्ट है जहाँ मतलब ज़रूरत होती है वहाँ पे भी उनका ड्यूटी लगता है, मतलब आप समझ सकते हो जहाँ जहाँ आग लगने की चांसेस ज़्यादा है वहाँ वहाँ उनका जो है ड्यूटी लगता है। तो ये था दोस्तों CSF फायरमैन के बारे में, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, पेमेंट वगैरह बाकी सब सेम फैसिलिटी सब है, कैंटीन की फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटी सेम जो भी CSF को है मैंने अपने वीडियोज़ में बता रखा है, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलती है। तो और तो कुछ नहीं था दोस्तों इस वीडियो में, और इससे संबंधित और कुछ सवाल आप पूछना चाहते हो मुझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों।
नमस्कार, जय हिंद।